नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार पुनः अटारी तालुक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट में। मैं गौरव रंजन, इसी उम्मीद के साथ कि आप आने वाली परीक्षा यूपीपीसीएस के लिए तैयार हैं और हमारे संस्थान में आलोक सर और रवि सर के कुशल मार्गदर्शन में बैच संचालित हो रहा है। यह बैच प्री कमेंस होगा, जिसमें पहले आपको प्रारंभिक परीक्षा के लिए समझाया पढ़ाया जाएगा, उसके बाद मुख्य परीक्षा के लिए। यदि आप हमारे बैच से जुड़ना चाहते हैं तो यह हमारे संस्थान का नंबर है 9918000454, 9918000454। इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप के माध्यम से पीसीएस एंट्री लेकर सेंड कर देना है। एडमिशन की सारी की प्रक्रिया आपको समझा दी जाएगी, ठीक ना। प्रारंभिक परीक्षा प्रीलिम्स पीसीएस 2020 के लिए हमारे इंस्टीट्यूट में विषय विशेषज्ञों के द्वारा आलोक सर और रवि सर के निर्देशन में बैच प्रारंभ किया जा रहा है। यह बैच प्री कमेंस होगा, मतलब इस बैच में हम प्रारंभिक परीक्षा के साथ साथ मुख्य परीक्षा की भी आपको तैयारी कराएंगे। फैकल्टियों के बारे में सर ने आपको पहले ही बता दिया था। मैं आपको यहां पर पीसीएस प्रीलिम्स के लिए भूगोल का पार्ट पढ़ाऊंगा और उसी के साथ साथ एनवायरमेंट, भूगोल एवं पर्यावरण, ठीक ना। तो मैं भूगोल प्रारंभ कर रहा हूं पीसीएस के नजरिए से, जहां से सर्वाधिक प्रश्न बनते हैं। भारत का खनिज संसाधन वाला क्षेत्र यानी आर्थिक भूगोल को हम आज पढ़ना स्टार्ट करेंगे। और आर्थिक भूगोल को अगर आप देखिएगा तो अभी 2019 में पीसीएस प्रीलिम्स की परीक्षा हुई थी, एक प्रश्न पूछा गया था, कोयला पूछा गया था, कोयला भारत में कहां कहां से प्राप्त होता है, इस प्रकार से वहां पर क्वेश्चन पूछ लिया गया था। तो प्रत्येक परीक्षा में यहां से एक दो प्रश्न आपको मिल जाते हैं, ठीक ना, खनिज संसाधन से। उसके बाद एक दो प्रश्न आपको खनिज संसाधन के साथ साथ आर्थिक भूगोल में उद्योगों से मिलते हैं, और उद्योग के बाद एक दो प्रश्न आपको मिल जाते हैं भारत के पशु संसाधन, भारत की कृषि से। तो ये आर्थिक भूगोल वाला खंड हम तैयार करेंगे, और इस खंड की विशेषता यह रहेगी कि यहां पर केवल भारत को, भारत के लिहाज से नहीं पढ़ेंगे, बल्कि भारत और भारत के साथ साथ विश्व का भी अध्ययन करेंगे। अगर मैं आपको भारत के खनिज पढ़ाऊंगा, उसी के साथ साथ मैं विश्व के खनिज संसाधन आपको पढ़ाऊंगा, ठीक ना। तो आज हम पढ़ रहे हैं भारत की भूगर्भिक संरचना। अगर आपको, आपने भूगर्भिक संरचना का अच्छे से अध्ययन कर लिया तो आपको पता चल जाएगा कि कहां पर किस प्रकार के खनिज संसाधन पाए जाते हैं। अगर भारत की भूगर्भिक संरचना की बात करें तो भारत को भूगर्भिक संरचना के आधार पर तीन भागों में विभाजित किया गया। कितने भागों में विभाजित किया गया? तीन भागों में विभाजित किया गया। पहला, उत्तर भारत की विशाल पर्वतमालाएं, उत्तर भारत की पर्वतमालाएं। मैं एक एक से समझाऊंगा अभी आपको, उत्तर भारत की पर्वतमाला, ठीक ना। उसके बाद ये पहला क्षेत्र हो गया। दूसरा क्षेत्र, अगर दूसरे क्षेत्र की बात करें तो उत्तर का विशाल मैदान। और तीसरे पॉइंट की बात करते हैं तो प्रायद्वीपीय भारत या दक्षिण का पठारी क्षेत्र, प्रायद्वीपीय भारत या दक्षिण का पठारी क्षेत्र। तो ये तीन भूगर्भिक संरचनाएं, या भारत को हमने तीन भूगर्भिक संरचना के आधार पर तीन भागों में हमने बांट लिया। एक एक से अध्ययन करते हैं। पहला, उत्तर भारत की विशाल पर्वतमालाएं। तो उत्तर भारत की विशाल पर्वतमालाओं के संदर्भ में हम हिमालय पर्वत का अध्ययन करते हैं। अभी कुछ दिन पहले हमने खंड शिक्षा अधिकारी का बैच प्रारंभ किया था, अभी भी उसमें एडमिशन जारी है। आप पिछले वीडियो देखिए, आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो मैंने, अगर आपने लेक्चर देखा हो तो मैंने हिमालय पढ़ाया था। मैं यहां पर दोबारा से हिमालय का जिक्र करता हूं आपसे, हिमालय। और हिमालय को मैंने बताया था कि हिमालय एक नवीन मोड़दार पर्वत का उदाहरण है। अगर हम हिमालय की बात करते हैं तो हिमालय का निर्माण प्लेट विवर्तनिकी के सिद्धांत एवं कोवर का भूसन्नति सिद्धांत एवं प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी ए हिमालय की उत्पत्ति के सबसे अच्छे, हम कह सकते हैं कि सबसे अच्छे प्रमाण माने जाते हैं। इनके आधार पर हिमालय का अध्ययन करते हैं। तो बताया गया कि जो हमारी पृथ्वी है, एक बार मैं आपको ब्रीफ में समझा देता हूं, इस पृथ्वी के बीचों बीच एक सागर है जिसका नाम है टैथी सागर।
ऊपर वाले भाग को अंगारा लैंड कहा गया और नीचे वाले भाग को गोंडवाना लैंड। एक को अंगारा लैंड और एक को क्या नाम दे दिया गया, गोंडवाना लैंड, और बीच में टैथिस सागर है। गोंडवाना लैंड से आने वाली नदियां अपना जल यहां पर गिराती थी। गोंडवाना लैंड से आने वाली नदियां अपना जल कहां गिराती है, टैथिस सागर में गिराती थी। कोई भी नदी जब प्रवाहित होती है तो वह न केवल जल लेकर प्रवाहित होती है बल्कि अपने साथ जीव जंतु और पेड़ पौधों के अवसादों को लेकर बहती है, और जीव जंतु और अवसादों का इसने एक जगह पर जमाव कर दिया। उसके बाद प्लेटों में टक्कर हुई, ठीक ना, अपसारी संचलन बोलते हैं, प्लेट टकराई और प्लेटों के टकराने से टैथिस भूषण नदी का भाग ऊपर उठ गया और हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हो गई। हम हिमालय नहीं पढ़ा रहे आपको, केवल समझा रहे हैं ब्रीफ में। तो हिमालय पर्वत की उत्पत्ति टैथिस भूषण नदी या टैथिस सागर में जो अवसाद थे उनके उत्थान के कारण हुई। तो जहां पर भी अवसाद पाए जाएंगे, अवसाद मतलब जीव जंतुओं के अवशेषों की बात हो रही है यहां पर, तो जहां पर जीव जंतुओं के अवशेष पाए जाते हैं वहां पर याद रखिएगा वहां पर कौन सा खनिज मिलता है, वहां से हमें ईंधन खनिज की प्राप्ति होती है। किसकी प्राप्ति होती है, वहां से हमें प्राप्ति हो जाती है ईंधन खनिज की, ईंधन खनिज की वहां से हमें प्राप्ति हो जाती है, ठीक ना। चलिए देखिएगा, अगर हम बात करें उत्तर की विशाल पर्वतमालाओं की, तो यहां पर औषधि चट्टान पाई जाती है। कौन सी चट्टान है, औषधि चट्टान पाई जाती है। औषधि चट्टान के साथ साथ औषधि चट्टानों में इनमें जीवाश्म पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, जीव जंतु अवशेष यानी जीवाश्म, जीवाश्म पाए जाते हैं। और जीवाश्म के पाए जाने के कारण ही, जीवाश्म के पाए जाने के कारण ही यहां से ईंधन खनिज की प्राप्ति होती है। किसकी प्राप्ति होती है, यहां से प्राप्ति हो जाती है ईंधन खनिज। ईंधन खनिज की बात करें अगर हम, तो कोयला है हमारा, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। तो हिमालय पर्वतीय क्षेत्र से हम हिमालय की बात कर रहे हैं, ईंधन खनिज के रूप में यहां पर कोयला की प्राप्ति होती है। कोयला की अगर बात करते हैं तो कोयला चार प्रकार का होता है, और उन चार प्रकार के कोयला में जो सबसे अच्छा कोयला माना जाता है वो एंथ्रासाइट माना जाता है। एंथ्रासाइट कोयला सबसे अच्छा या उच्च कोटि का कोयला कहा जाता है एंथ्रासाइट को। तो भारत में हिमालय एकमात्र ऐसा क्षेत्र है, या जम्मू कश्मीर एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जहां से एंथ्रासाइट कोयले की प्राप्ति होती है। ये बात आपको याद रखना, बहुत बार पूछा गया है, ठीक ना। तो यहां पर कोयले के रूप में किसका प्राप्ति हो जाती है, एंथ्रासाइट। किसकी प्राप्ति होती है, एंथ्रासाइट की। यहां से क्या हो जाती है, यहां से एंथ्रासाइट की प्राप्ति हो जाती है। पीसीएस परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है हिमालय के संदर्भ में, हिमालय एक नवीन मुड़दार पर्वत का उदाहरण, बिल्कुल सही बात है, वो हम हिमालय में पढ़ाएंगे आपको। यहां पर खनिजों की बात करते हैं, हिमालय में औषधि चट्टानें पाई जाती है, यह भी बिल्कुल सही बात है। हिमालय पर्वतीय क्षेत्र से कोयला की प्राप्ति होती है, यह भी बिल्कुल सही बात है। और कौन से कोयला की प्राप्ति होती है, एंथ्रासाइट कोयला की प्राप्ति होती है, ठीक ना। तो अगर हम भूगर्भिक संरचना में पहले पार्ट को देखें, उत्तर भारत की विशाल पर्वतमाला, तो यहां पर हम हिमालय की बात कर रहे हैं। हिमालय का निर्माण औषधि चट्टानों से हुआ है, और औषधि चट्टानों में जीवाश्म पाए जाते हैं जिनसे हमें ईंधन खनिज की प्राप्ति होती है। किसकी, ईंधन खनिज। और ईंधन खनिज में यहां पर क्या मिलता है, कोयला। कौन सा कोयला, एंथ्रासाइट, मैंने ब्रीफ में आपको समझा दिया। उसके बाद उत्तर का विशाल मैदान यानी सतलज नदी, सिंधु सतलज नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक के क्षेत्र की बात हो रही है, ठीक ना। पूरा का पूरा उत्तर भारत का जो विशाल मैदान है, गंगा का मैदान, राजस्थान, पंजाब का मैदान, तो इस मैदान में खनिज संसाधनों का अभाव पाया जाता है। खनिज संसाधनों का यहां पर अभाव पाया जाता है क्योंकि मैदान है, लगातार नदियां प्रवाहित हो रही हैं और नदियां अपने साथ अवसादों को बहाकर ले जा रही हैं। जब तक उन अवसादों का नदियां जमाव नहीं करेंगी, जब तक जीवाश्मों का जमाव नहीं करेंगी, अवसादों का जमाव नहीं करेंगी, तब तक उनसे किसी भी प्रकार की ईंधन की प्राप्ति हमें, या किसी भी प्रकार के खनिज की प्राप्ति नहीं हो पाएगी, ठीक ना। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, भारत का खनिज संसाधनों की दृष्टि से सबसे निवल क्षेत्र या सबसे दुर्लभ दुर्बल क्षेत्र कौन सा है, दुर्बल, तो वह कौन सा क्षेत्र है जहां पर खनिज संसाधनों का अभाव पाया जाता है, उत्तर भारत का विशाल मैदान। तो यहां पर हम लिख लेंगे, यहां पर क्या है, यहां पर खनिज संसाधनों का अभाव पाया जाता है। क्या पाया जाता है, खनिज संसाधन का अभाव। यहां पर खनिज संसाधनों का क्या पाया जाता है, अभाव पाया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए हम आपको, ये कई बार आपसे पूछा जाता है। और देखिएगा पैटर्न पीसीएस की परीक्षा का पैटर्न चेंज हो रहा है, अब परंपरागत प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। आप लोगों में से जो भी प्रीलिम्स 2019 की परीक्षा दिया होगा, मैं भी दिया था, जो भी परीक्षा दिए होंगे प्रीलिम्स 2019 की, वह एक बात देख रहे होंगे कि जो लोग पहले कोई किताब पढ़ते थे या
प्रीवियस ईयर के प्रश्न पत्रों को पढ़ के जो जाते थे, देखिएगा अब ऐसा नहीं हो रहा है। अब हमारा आयोग नए प्रकार के प्रश्नों को पूछ रहा है, नए प्रकार के, वो परंपरागत नहीं पूछ रहा है, नए प्रकार के प्रश्नों को पूछ रहा है। और नए प्रकार के प्रश्नों को आप तभी समझ पाएंगे जब आपके पास अच्छा सा एक कंसेप्ट होगा, एक अच्छा सा कंसेप्ट होगा तभी आप इन चीजों को समझ पाएंगे, ठीक ना। तो उत्तर भारत का विशाल मैदान, खनिज संसाधनों का यहां पर क्या है, यहां पर अभाव पाया जाता है। उसके बाद प्रायद्वीपीय भारत या दक्षिण का पठारी क्षेत्र, तो प्रायद्वीपीय भारत या दक्षिण का पठारी क्षेत्र जो है यह खनिज संसाधनों की दृष्टि से, खनिज संसाधनों की दृष्टि से सबसे धनी या बहुमूल्य क्षेत्र है, सबसे धनी या बहुमूल्य क्षेत्र, बहुमूल्य क्षेत्र, ठीक ना। यहां से सर्वाधिक मात्रा में खनिजों की प्राप्ति होती है। तो यहां पर कई प्रकार की चट्टानों का विकास हुआ है, उसी चट्टानों के विकास को हम देखेंगे, ठीक ना। तो दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत पर मुख्य रूप से छह प्रकार की चट्टानों का विकास हुआ है। इन छह प्रकार की चट्टानों को हमने एक मानचित्र के द्वारा प्रदर्शित करने की कोशिश की है। तो देखिएगा, ये हमारा भारत है और कहां पर कौन सी चट्टानें पाई जाती, मैंने एक डायग्राम बनाया हुआ है यहां पर, तो हम एक एक से पढ़ते हैं। पहली है आर्कियन क्रम की चट्टान, तो मैंने यहां पर ग्रीन कलर से आर्कियन क्रम की चट्टानों का क्षेत्र बनाया है। कौन सा क्षेत्र बनाया हमने, आर्कियन क्रम की चट्टानों का हमने क्षेत्र बनाया है। तो एक एक से हम यहीं से अपना अध्ययन प्रारंभ करेंगे। आर्कियन क्रम की चट्टान, आर्कियन क्रम की चट्टान, अगर बात करते हैं हम कि आर्कियन क्रम की चट्टान, तो पॉइंट वाइज लिखेंगे हम लोग, सबसे प्राचीन चट्टानें हैं, सबसे प्राचीन चट्टान, मानव की उत्पत्ति के पूर्व ही इनका निर्माण हो गया था। मैं एक एक समझना, मैं क्या पॉइंट बोल रहा हूं, मानव की उत्पत्ति, और जब मैं मानव की उत्पत्ति बोलूंगा, मानव मतलब क्या, जीव जंतु, तो मैं जीव जंतु की बात कर रहा हूं, तो मानव बोलूं या जीव जंतु, तो मानव या जीव जंतु की उत्पत्ति के पूर्व भी आर्कियन क्रम के चट्टानों का विकास हो गया था, ठीक ना। तो दूसरा हम लिखेंगे मानव उत्पत्ति के पूर्व, मानव उत्पत्ति के पूर्व निर्मित, मानव उत्पत्ति के पूर्व निर्मित हुई थी, और मानव की उत्पत्ति के पहले इनका निर्माण हो गया, इसलिए इनमें जीव जंतुओं के अवशेष, जीव जंतु के क्या, इनमें जीव जंतुओं के अवशेष नहीं पाए जाते। क्या नहीं पाए जाते, इनमें जीव जंतुओं के अवशेष नहीं पाए जाते, और जीव जंतुओं के अवशेष नहीं पाए जाने के कारण हम इनको जीवाश्म मुक्त चट्टान के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, जीवाश्म मुक्त चट्टान। आप इमेजिन करिएगा कि ऐसी चट्टाने जिनका निर्माण पहले हुआ है, उसके बाद मानव का निर्माण हुआ है, यानी जीव जंतु का विकास हुआ, तो क्या इन चट्टानों में जीव जंतुओं के अवशेष पाए जाएंगे, नहीं पाए जाएंगे। तो सिंपल सी बात है, यहां पर जीवाश्मों का क्या पाया जाएगा, यहां पर जीवाश्म का अभाव पाया जाएगा, ठीक ना। जीवाश्म का क्या पाया जाता है, अभाव। अगर हम बात करें कि इनके अंतर्गत कौन कौन सी चट्टानें आती हैं, इनके अंतर्गत कौन कौन सी अगर चट्टानें आती हैं, अगर हम चट्टानों की बात करें कि आर्कियन क्रम के अंतर्गत, तो आर्कियन क्रम के अंतर्गत आती है ग्रेनाइट, आर्कियन क्रम के अंतर्गत आती है नीस, और आती है आपकी सिस्ट। तो इसके अंतर्गत आर्कियन क्रम की चट्टानों के अंतर्गत ग्रेनाइट, नीस और सिस्ट प्रकार की चट्टाने आती हैं, ठीक ना। अब बात करें अगर ये कहां पाई जाती हैं, तो मैंने मानचित्र में बनाने की कोशिश की है, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में अधिक मात्रा पाई जाती हैं। तो एक तो मैंने यहां बताया है कि कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में यह चट्टाने अधिक मात्रा में पाई जाती हैं, थोड़े बहुत मात्रा में या नीचे की ओर तमिलनाडु भी है। तो दक्षिण भारत के तीन राज्य, अगर हम इनके प्राप्ति स्थल की बात करें कि इनकी प्राप्ति हमें कहां से होती है, अगर इनके हम प्राप्ति स्थल की बात करते हैं, तो यह हमें प्राप्त होती है आंध्र प्रदेश, कहां से प्राप्त होती है हमें, आंध्र प्रदेश से प्राप्त होती है, और कहां से प्राप्त होती है हमें, प्राप्ति होती है इनकी कर्नाटक से प्राप्ति होती है,
और कहां से प्राप्ति होती है, तो हमें इनसे प्राप्ति होती है तमिलनाडु से, ठीक है ना। तो दक्षिण भारत के तीन राज्य हैं आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु, इनसे इनकी हमें प्राप्ति होती है। साथ ही साथ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड, साथ ही साथ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड, ठीक ना। तो इस वाले मैप में हम ग्रीन कलर से थोड़ा यहां ही बना लेंगे, हाँ, मध्य प्रदेश, झारखंड और छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में यहां पर ऐसा, ठीक ना। ये मध्य प्रदेश का भाग हो गया, ये नीचे छत्तीसगढ़ का हो गया और ऊपर की ओर झारखंड का हो गया। तो तीन राज्यों में और पाई जाती हैं, तो इनके भी नाम लिख लेंगे। और कहां पाई जाएगी, तो पाई जाती है मध्य प्रदेश में, और कहां पाई जाएंगी, पाई जाएंगी छत्तीसगढ़ में, और कहां पाई जाती हैं, तो झारखंड, इन राज्यों में पाई जाती है, ठीक ना। अगर देखिएगा, एक तो अगर अभी से देखा जाए, तो जैसा कि आलोक सर ने आपको बताया है कि ये जो प्रीलिम्स का बैच हमारे यहां प्रीकमेंस, पहले हम प्री कंप्लीट कराएंगे, ये 20 जनवरी से एक कक्षा प्रारंभ हो जाएंगी। और अगर हम बात करें कि एग्जाम कब होना है, तो एग्जाम 21 जून को होना है। तो लगभग आपके पास 4-5 महीने 6 महीने का समय रहेगा, 5 महीने तो है ही है, पूरे 5 महीने का समय लगेगा। तो आप क्या करिएगा, आपको दो प्रकार के नोट्स बनाने हैं, एक तो डिस्क्रिप्टिव नोट्स है, साथ ही साथ एक आपको पतला सा नोट्स, और अलग बुक में नहीं, अलग नोटबुक में नहीं बनाना है। जैसे मान लीजिएगा मैंने आपको विस्तृत पढ़ाया, नेक्स्ट वाले पेज में, नेक्स्ट पेज में आपको क्या करना है, उसका एक शॉर्ट नोट्स बनाना है। एग्जाम्पल के तौर पर कैसे, ना हेडिंग लगा है आर्कियन क्रम की चट्टान, बताइएगा इतने पॉइंटों में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन सा, सबसे प्राचीन चट्टान है और जिनमें जीव जंतुओं के अवशेष नहीं पाए जाते हैं, और कहां कहां पर पाई जाती हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि आर्कियन क्रम के चट्टानों की विशेषता निम्नलिखित में से क्या है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा। वो पहला ऑप्शन दे देगा, इनमें जीव जंतुओं के अवशेष पाए जाते हैं, यह आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक के क्षेत्र में पाई जाती है, यह सबसे प्राचीन चट्टान है, इस प्रकार से पूछेगा। तो इसमें हमें पकड़ना है कि इसमें सही बात कौन सी नहीं है। तो मैंने पहला पॉइंट बोला था कि इसमें जीव जंतुओं के अवशेष पाए जाते नहीं, आर्कियन क्रम की चट्टानों में जीव जंतुओं के अवशेष नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि इनका उत्पत्ति, इनका निर्माण मानव की उत्पत्ति के पूर्व हुआ था, ठीक ना। चलेगा आगे देखते हैं, ठीक ना। आगे आती है धारवाड़ क्रम की चट्टान है। अब धारवाड़ क्रम की चट्टानों को मैं समझाऊंगा अभी आपको, तो मैं पेज चेंज कर लेता हूं। बात करते हैं हम धारवाड़ क्रम की चट्टान। अगर हम धारवाड़ क्रम की चट्टान की बात करते हैं, तो ये धारवाड़ क्रम की जो चट्टाने हैं, इन धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण आर्कियन क्रम की चट्टानों में अपक्षय एवं निक्षेपण की प्रक्रिया के द्वारा हुआ है। किसके द्वारा हुआ है, अपक्षय एवं निक्षेपण की प्रक्रिया के द्वारा हुआ है। तो अपक्षय अपरदन होता है, अपक्षय को विदरिंग बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक ना। अपरदन होता है, अपरदन को इरोजन बोलते हैं। तो प्रक्रिया क्या होती है, पहले हम इनको समझ लेते हैं, ठीक ना। चलिएगा आर्कियन धारवाड़ क्रम की चट्टानों को पूरा हम इनको समझेंगे। चलिएगा मान लीजिएगा कि आपके पास एक कोई चट्टान है, मान लीजिएगा कोई आपके पास चट्टान है, इसमें हम अपक्षय की प्रक्रिया बता रहे हैं। पहले यहां पर बादलों का निर्माण हुआ, और बादलों का निर्माण होने के बाद यहां पर वर्षा हो जाती है, जब यहां पर बारिश हो जाएगी, तो इस चट्टान में नमी आ जाएगी। जैसी बारिश होगी, चट्टान में नमी आ जाएगी। अब चट्टान में नमी आने के बाद बारिश बंद हो गई, बादल चले गए, और जैसे ही बादल जाएंगे, यहां पर शन आएगा, सूर्य, और सूर्य का प्रकाश यहां पर पड़ेगा। जब सूर्य का प्रकाश चट्टान पर पड़ेगा, तो चट्टान का जो टेम्परेचर है, ये टेम्परेचर बढ़ जाएगा, चट्टान का टेम्परेचर बढ़ने के कारण यहां पर जो नमी है, इस नमी का क्या हो जाएगा, इस नमी का वाष्पीकरण हो जाएगा। जो नमी है वो चली जाएगी, टेम्परेचर अधिक होने के कारण। तो जैसे ही नमी का वाष्पीकरण होगा, या चट्टानों से वाष्पीकरण की प्रक्रिया होगी, ये चट्टान में संकुचन की प्रक्रिया होगी,
चट्टान में किसकी प्रक्रिया होगी, चट्टान में एक प्रक्रिया होगी संकुचन की, ये चट्टान सुकुड़ेगी, चट्टान सुकुड़ेगी, चट्टान में संकुचन की प्रक्रिया होगी और संकुचन की प्रक्रिया होने के बाद यह चट्टान छोटे 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 भागों में विखंडित हो जाएगी, छोटे छोटे भागों में टूट जाएगी। चट्टान के इन छोटे छोटे भागों में टूटने की प्रक्रिया को एक नाम दिया जाता है और नाम दे दिया जाता है अपक्षय। अपक्षय की अगर हम इंग्लिश लिखें तो अपक्षय में, अपक्षय को इंग्लिश में एक नाम दे दिया जाता है, अपक्षय को इंग्लिश में नाम दिया जाता है विदरिंग, WERTHERING, विदरिंग। अगर हम इस विदरिंग में से, अगर हम इस विदरिंग में से ING हटा दें तो ये क्या बचा, ये बचता है वेदर, और वेदर को हिंदी में क्या बोलते हैं, वेदर को हिंदी में बोलते हैं मौसम, और मौसम क्या होता है, मौसम होता है वायुमंडल की अल्पकाल की प्रक्रिया, वायुमंडल की अल्पकाल की प्रक्रिया। उदाहरण के तौर पर आप देखिएगा, अभी दो दिन पहले अच्छी खासी धूप निकल रही थी और अचानक से कोहरा और ओस बरसने लगी, ओलावृष्टि टाइप की, ठीक ना, हिम के रूप में वर्षा होने लगी, कोहरा कुहासा होने लगा। तो इस प्रक्रिया एक क्षणिक प्रक्रिया है, जल्दी जल्दी जो बदलाव होंगे वायुमंडल में उन बदलावों को ही क्या नाम दिया जाता है, उन बदलावों को नाम दे दिया जाता है मौसम। तो मौसम में परिवर्तन के कारण चट्टान टूट रही है, कैसे परिवर्तन हुआ, पहले बारिश हुई नमी आ गई, फिर सूर्य निकला टेम्परेचर बढ़ गया, तो पहले नमी हो गई यानी ठंडक हो गई, फिर टेम्परेचर बढ़ा गर्मी पड़ने लगी, तो चट्टान टूट फूट गई। मौसम में परिवर्तन के कारण चट्टान के टूटने फूटने की प्रक्रिया को अपक्षय कहा जाता है। बात क्लियर है। अगर हम आपसे पूछे अपक्षय किस प्रकार की प्रक्रिया है, तो अपक्षय स्थैतिक प्रक्रिया है, एक स्थान पर हो रही है, एक स्थान पर हो रही है, ठीक ना। चलिएगा, अब मान लीजिएगा ये चट्टान टूट गई, चट्टान टूटेगी, मान लीजिएगा यहां से तेज हवा निकली या यहां से जल निकला, जल आया या हवा आई, तो हवा या जल, एयर या वाटर, हवा या जल, इन टूटे हुए पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाएगी। तो हवा या जल के माध्यम से विखंडित पदार्थों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो स्थानांतरण होता है उसको हम अपरदन कहते हैं। क्या कहते हैं, अपरदन। उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम अपरदन कहेंगे, अपरदन हम कटाव भी बोलते हैं। और कटाव में क्या होता है, पानी के साथ मिट्टी कट के कहां चली जाती है, आगे बढ़ जाती है, तो उसी को अपरदन बोलते हैं। और अपरदन को रोकने के लिए आपदा प्रबंधन में पढ़िएगा आप, अपरदन को रोकने के उपाय क्या क्या हो सकते हैं। तो अपरदन सबसे ज्यादा कहां पर होता है, आपदा प्रबंधन की चीजें, ठीक ना। अब देखिएगा, अब हवा या जल इन टूटे हुए पदार्थों को उड़ाकर या अपने साथ पानी बहाकर ले जा रहा था और एक स्थान पर आकर इसने इनको छोड़ दिया। एक स्थान पर आकर उसने क्या किया, अवसादों को एकत्रित कर दिया। तो किसी स्थान पर अवसादों को एकत्रित कर दिया, उस एकत्रित करने की प्रक्रिया को निक्षेपण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, निक्षेपण। दूसरे शब्दों में मान लीजिएगा कोई नदी इस प्रकार प्रवाहित हो रही है, मान लीजिएगा कोई नदी इस प्रकार प्रवाहित हो रही है और अपने साथ अवसादों को बहाकर ले जा रही है। जब ये अपने साथ अवसादों को बहाकर ले जाएगी तो इन अवसादों को एक जगह पर वो क्या कर देगी, एक जगह पर अवसादों का जमाव कर देगी। और अवसादों का एक जगह पर जमाव करने की प्रक्रिया को ही एक नाम दे दिया जाएगा, नाम दे दिया जाएगा निक्षेपण। क्या नाम दे दिया जाएगा, नाम दे दिया जाएगा निक्षेपण। तो निक्षेपण की प्रक्रिया होगी, ठीक ना। इतनी बात शायद समझ गए होंगे मेरी आप। चलिएगा, हम अब इसको आप चाहें तो, हालांकि मैंने ओरल समझाया, लिखाया कुछ नहीं, आपको नोट्स मिल जाएगा, ठीक ना। अब मैं आपको आगे की प्रक्रिया समझाता हूं। मैंने कहा कि धारवाड़ क्रम की चट्टानों का विकास या धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण कैसे हुआ, तो ये जो धारवाड़ क्रम की चट्टान है, आर्कियन क्रम की चट्टान, कौन सी, आर्कियन क्रम की चट्टान में अपक्षय, अपरदन एवं निक्षेपण, आर्कियन क्रम की चट्टान में अपक्षय, अपरदन, निक्षेपण की प्रक्रिया द्वारा निर्मित, की प्रक्रिया द्वारा निर्मित, प्रक्रिया द्वारा निर्मित, ठीक ना। आर्कियन क्रम की चट्टान में अपक्षय, अपरदन, निक्षेपण की प्रक्रिया के द्वारा निर्मित चट्टानों को धारवाड़ क्रम की चट्टान कहते हैं, ठीक ना।
धारवाड़ जो है अगर धारवाड़ की बात करें तो धारवाड़ कर्नाटक का एक जिला है। धारवाड़ क्या है? तो धारवाड़ कर्नाटक का एक जिला है, कर्नाटक का एक जिला है, और यहीं पर सबसे पहले इन चट्टानों को देखा गया और इसीलिए इन चट्टानों का नाम धारवाड़ क्रम की चट्टान रख दिया गया। ठीक ना? तो अगर आपसे पूछे कि धारवाड़ क्या है, तो धारवाड़ एक जिला है कर्नाटक का। ठीक ना? अब यहां से एक बात और स्पष्ट हो गई कि अगर हम पूछें धारवाड़ क्रम की चट्टानें कहां पाई जाती हैं, तो धारवाड़ क्रम की चट्टानें आपकी कर्नाटक में पाई जाती हैं। कर्नाटक के साथ साथ अगर हम यहां पर प्राप्ति स्थल लिखें, अगर हम यहां पर प्राप्ति स्थल लिखते हैं, तो प्राप्ति स्थल में दो राज्य लिखना है आपको। एक तो ये कर्नाटक से प्राप्ति होती है, इनकी कहां से प्राप्ति होती है, एक तो इनकी प्राप्ति कर्नाटक से होती है और दूसरी राजस्थान से होती है। कर्नाटक से और दूसरी प्राप्ति इनकी कहां से होती है? राजस्थान से। ठीक ना? कर्नाटक में बात करें तो तीन जिले हैं कर्नाटक में जहां से सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती हैं। एक का नाम तो हम बता ही दिया आपको, धारवाड़ है। एक जिले का नाम शिमोगा है और एक जिले का नाम बेलारी है। बेलारी, इन तीन जगह से इनकी प्राप्ति अधिक होती है। धारवाड़, शिमोगा और बेलारी जिलों से इनकी प्राप्ति अधिक मात्रा में होती है। ठीक ना? अगला समझिएगा, अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि बताइएगा क्या धारवाड़ क्रम की चट्टानों में जीव जंतुओं के अवशेष पाए जाएंगे, या क्या धारवाड़ क्रम की चट्टानें परतदार चट्टानें होंगी? बिल्कुल होंगी। क्यों होंगी? क्योंकि इनका निर्माण अपक्षय और अपरदन, इनका निर्माण अपक्षय और अपरदन की प्रक्रिया के द्वारा हो रहा है। नदी या वायु अपने द्वारा, नदी मतलब जल, जल या वायु अपने द्वारा अवसादों को बहाकर लाई और एक जगह पर उसको एकत्रित करती रही, एक जगह पर उसको एकत्रित करती रही, तो एकत्रित करने से उनमें परतों का निर्माण हो जाएगा। साथ ही साथ ठंडी हो गई है चट्टानें, परत बन गई है, मानव की अब उत्पत्ति हो गई है, तो साथ ही साथ उसमें जीव जंतुओं के अवशेष भी पाए जाएंगे। तो अगला पॉइंट हम ये लिखेंगे कि जीव जंतु, या जीव जंतु ना लिख के अवशेष लिखते हैं, परतदार लिखते हैं पहले, परतदार एवं जीवाश्म युक्त चट्टान। युक्त बोल रहे हैं ना कि मुक्त, यानी परत भी पाई जाती हैं और परत के साथ साथ जीव जंतु के अवशेष यानी जीवाश्म भी पाए जाते हैं। तो परतदार एवं जीवाश्म चट्टान दोनों पाई जाती है यहां पर। ठीक ना? अब बहुमूल्य चट्टाने है, बहुमूल्य चट्टानों का मतलब क्या है? इन चट्टानों, बहुमूल्य चट्टान है, बहुमूल्य चट्टानों का अर्थ यहां पर क्या है? तो बहुमूल्य चट्टानों का यहां पर अर्थ है कि यहां से धात्विक खनिजों की प्राप्ति अधिक मात्रा में होती है, जैसे लोहा, जैसे चांदी, ठीक ना, जैसे मैग्नीज, जैसे कॉपर, जैसे टंगस्टन। ठीक ना? तो यहां से बहुमूल्य चट्टाने हैं, क्योंकि यहां से खनिज की प्राप्ति होती है। किसकी प्राप्ति होती है? यहां से खनिज की प्राप्ति होती है। किसकी प्राप्ति होती है यहां से? तो यहां से खनिज की प्राप्ति होती है। अब आइएगा, तो अगर खनिज की प्राप्ति हो रही है, तो अगर हम देखें तो सोना भी मिलता है यहां से। ठीक ना? सोना अगर हम देखें तो कर्नाटक में, दक्षिण भारत का जो कर्नाटक है आपका, कर्नाटक में एक पर्वत है जिसका नाम है बाबा बुदान पर्वत। क्या नाम है? पर्वत का नाम है बाबा बुदान पर्वत। तो कर्नाटक का जो बाबा बुदान पर्वत है, मैं यहां पर लिख देता हूं, चलेगा, यहां पर लिख देता हूं मैं। ठीक ना? कर्नाटक का बाबा बुदान पर्वत है, जो कर्नाटक का बाबा बुदान पर्वत, बाबा बुदान पर्वत, ये कर्नाटक का बाबा बुदान पर्वत किसके लिए जाना जाता है? तो कर्नाटक का बाबा बुदान पर्वत जो है वो लोहा अयस्क के लिए जाना जाता है, लोह अयस्क के लिए जाना जाता है। यहां से लोहा की प्राप्ति होती है। किसकी प्राप्ति होती है? तो यहां से प्राप्ति हो जाती है आपके लोहा की। ठीक ना? उसी के साथ साथ कर्नाटक के बेलारी जिले में, कर्नाटक के बेलारी जिले में हट्टी और कोलार की खाने हैं। तो कर्नाटक में दो खाने याद रखना है आपको, हट्टी की खान और एक खान का नाम याद रखना है, एक हट्टी की खान है और दूसरी कोलार की खान। तो हट्टी और कोलार की जो खाने हैं कर्नाटक में,
इन हट्टी और कोलार की खानों से एक धातु की प्राप्ति होती है, और जिस धातु की प्राप्ति होती है उसका नाम है गोल्ड। पूरे भारत में यदि सबसे ज्यादा सोना की प्राप्ति होती है तो कर्नाटक के हट्टी एवं कोलार की खानों से होती है। उसके बाद राजस्थान, उसके बाद अगर हम बात करें राजस्थान, तो राजस्थान भारत में सबसे बड़ा चांदी उत्पादक राज्य माना गया, या माना क्या गया करना, राजस्थान में ही सबसे ज्यादा चांदी होती है। चांदी कभी भी शुद्ध रूप में नहीं पाई जाती है, सीसा और जस्ता के साथ पाई जाती है। जहां पर सीसा और जस्ता पाया जाएगा वहीं पर चांदी पाई जाएगी। राजस्थान के उदयपुर जिले में जावर की खान है, और यह जावर की खान जो है वो सीसा और जस्ता की सबसे बड़ी खान मानी जाती है भारत की। तो अगर वहां पर सीसा और जस्ता मिलता है तो साथ ही साथ वहां पर क्या मिलेगा, साथ ही साथ वहां पर आपका चांदी मिल जाएगी, ठीक ना। तो राजस्थान में जावर की खान, आपको नाम याद रखना है जावर की खान। हालांकि मैं एक बार इनको और पढ़ाऊंगा आपको, भारत के खनिज संसाधन में मैं केवल अभी इतना बता रहा हूं कि जब मैं वहां पर लोहा पढ़ाऊं, जब मैं वहां पर सोना पढ़ाऊं, जब मैं वहां पर चांदी के बारे में आपको बताऊं, तो आपको ये बात याद रखनी है कि लोहा है, चांदी है, ये टंगस्टन है, किन चट्टानों से प्राप्ति होती है इनकी, इनकी प्राप्ति धारवाड़ क्रम की चट्टानों से जाती है। ये बात आपको बस याद रखनी है यहां पर, ठीक ना। तो जावर की खान, जावर की खान किसके लिए फेमस है, सिल्वर के लिए, सिल्वर यानी चांदी, चांदी के साथ साथ जस्ता, और जस्ता के साथ साथ क्या, जस्ता के साथ साथ सीसा, ठीक ना। जस्ता और जस्ता के साथ साथ क्या हो जाएगा, तो जस्ता के साथ साथ हो जाएगा आपका सीसा। बोलिएगा यहां तक अगर कोई समस्या हो, यहां तक अगर कोई समस्या हो, सारी चीजें क्लियर हो रही ना, एक एक से सारे बिंदुओं को क्लियर करते जाना, ठीक ना। तो दो प्रकार की चट्टान होंगी हमारी, आर्कियन और धारवाड़। तो बहुमूल्य या आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण चट्टान इनमें से कौन सी है, तो दोनों में आर्थिक रूप से जो महत्वपूर्ण चट्टान है वो धारवाड़ क्रम की चट्टान है। अगला देखते हैं कुड़प्पा क्रम की चट्टान, कुड़प्पा क्रम की चट्टान कौन सी चट्टान है, तो चट्टानों का नाम है कुड़प्पा क्रम की चट्टान, ठीक ना, कुड़प्पा क्रम की चट्टान। अगर हम कुड़प्पा क्रम की चट्टानों की बात करें तो कुड़प्पा क्रम की चट्टानों का निर्माण भी, अच्छे समझिएगा, धारवाड़ क्रम की चट्टानों में अपक्षय, अपरदन और निक्षेपण की प्रक्रिया के द्वारा होता है, ठीक ना। फिर से सुन लीजिएगा, कुड़प्पा क्रम की चट्टानों का, कुड़प्पा क्रम की चट्टानों का जो निर्माण है वो धारवाड़ क्रम की चट्टानों में अपक्षय, अपरदन और निक्षेपण की प्रक्रिया के द्वारा होता है। तो हम आखिर यहां सीधा सीधा लिख लेते हैं, कुड़प्पा क्रम की चट्टानों का अगर इनके हम निर्माण की बात करते हैं तो इनका निर्माण धारवाड़ क्रम की चट्टान से, धारवाड़ क्रम की चट्टान से, या धारवाड़ क्रम की चट्टानों से अपक्षय, अपरदन एवं निक्षेपण, अपक्षय अपरदन एवं कौन सा, अपक्षय अपरदन एवं निक्षेपण की प्रक्रिया द्वारा, ठीक ना, यही लिख दे रहा है कि प्रक्रिया से, ठीक ना। हम आपको इतना डिटेल में इसलिए पढ़ा रहे हैं ताकि जब आप मेंस पढ़ें तो आपको कोई समस्या ना हो, आपके दिमाग में कहीं से ये ना आए कि यार मैंने तो ये पढ़ा ही नहीं है, अब पहले से पूरा का पूरा पढ़ते जाइएगा, ठीक ना। हम बता देना चाहते हैं आपको कि हम जो आपकी तैयारी करा रहे हैं वो 2020 21 जून 2020 को होने वाली प्रारंभिक परीक्षा पीसीएस प्री के लिए अभी हम आपको पढ़ा रहे हैं। पहले हम प्री पढ़ेंगे, उसके बाद मेंस पढ़ेंगे, लेकिन आपको ऐसा नहीं है कि हम केवल प्री है, आपको यहीं से अपनी विचारधारा बना लेनी है, यहीं से आपको अपने कंसेप्ट क्लियर कर लेना है। जब आपके कंसेप्ट क्लियर रहेंगे तो वहां पर जब मेंस में पढ़ेंगे ना तो आपको बहुत मजा आएगा, ठीक ना। और अगर कुड़प्पा क्रम की चट्टानों का निर्माण भी अपक्षय और अपरदन की प्रक्रिया के द्वारा हो रहा है तो क्या इन चट्टानों में जीव जंतुओं के अवशेष और जीवाश्म, जिनको हम जीवाश्म या परत कहेंगे, तो परत और जीवाश्म पाए जाएंगे, नहीं पाए जाएंगे, बिल्कुल पाए जाएंगे। तो हम लिख लेते हैं कि जीवाश्म एवं परतें पाई जाती हैं, जीवाश्म एवं परत पाई जाती है, जीवाश्म और जीवाश्म के साथ साथ परत पाई जाती है, जीवाश्म और परतें पाई जाती हैं कौन सी चट्टानों में, कुड़प्पा क्रम की चट्टानों में जीवाश्म और परतें पाई जाती हैं। अगर हम बात करें इनसे
तो कोड़प्पा, अगर हम प्राप्ति स्थल की बात करें कहां से इनकी प्राप्ति होती है, तो जो कोड़प्पा है प्राप्ति स्थान, तो जो कोड़प्पा है वो आंध्र प्रदेश का एक जिला है, तो आंध्र प्रदेश से इनकी प्राप्ति होती है, ठीक ना। अगर हम मानचित्र में, पहले हम आपको जो मैंने डायग्राम बनाया है इस डायग्राम में दिखा देते हैं, ये रही कोड़प्पा क्रम की चट्टान ने रेड कलर के पेन से बनाई, ये आंध्र प्रदेश का क्षेत्र है, ये राजस्थान का क्षेत्र है, यहां पर छत्तीसगढ़ और झारखंड का क्षेत्र है, ठीक ना। तो तीन क्षेत्रों से प्राप्ति होती है, तो हम तीन क्षेत्र लिख लेंगे, आंध्र प्रदेश से होती है, साथ ही साथ राजस्थान से होती है, राजस्थान, और राजस्थान के साथ साथ छत्तीसगढ़ और झारखंड के क्षेत्र से, छत्तीसगढ़ और झारखंड के क्षेत्र से इनकी प्राप्ति होती है, ठीक ना। अब देखिएगा, अगर हम बात करें तो इन चट्टानों से भी हमें धात्विक खनिजों की प्राप्ति होती है, कौन से चट्टानों की प्राप्ति होती है, तो इनसे हमें प्राप्ति होती है धात्विक खनिज की, और धात्विक खनिज में हम बात करें तो यहां से हमें प्राप्ति होती है कोबाल्ट की, यहां से हमें प्राप्ति होती है कॉपर की, यहां से हमें प्राप्ति होती है टिन की, ठीक ना, यहां से हमें प्राप्ति होती है कॉपर है, टिन है, मैग्नीज है, मैग्नीज, तो इन सभी धातुओं की यहां से प्राप्ति होती है, ठीक ना। अब देखिएगा, अगर बात करते हैं हम कॉपर यानी तांबा की, कॉपर CU यानी तांबा की बात करें, तो राजस्थान राज्य में प्राचीन काल से ही, प्राग ऐतिहासिक काल से ही कॉपर निकाला जा रहा है। राजस्थान का एक जिला है जिसका नाम है झुंझुनू जिला, राजस्थान में एक जिला है जिसका नाम है झुंझुनू जिला, झुंझुनू जिला है राजस्थान में, और ये जो राजस्थान का झुंझुनू जिला है यहां पर एक तहसील है जिसका नाम है खेतड़ी तहसील, और जो एक खेतड़ी तहसील है, इस खेतड़ी तहसील से ही कॉपर की प्राप्ति हो रही प्राचीन काल से ही। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है खेतड़ी की खान या खेतड़ी तहसील किस खनिज के लिए जानी जाती है, तो खेतड़ी की खान या खेतड़ी तहसील जो है वो जिस खनिज के लिए जानी जाती है उस खनिज का नाम क्या है, तो उस खनिज का नाम है आपके कॉपर के लिए जानी जाती है, ठीक ना। चलेगा, अगर हम टिन की बात करें तो बस्तर प्लेटू एकमात्र भारत का ऐसा क्षेत्र है जहां से हमें टिन प्राप्त होता है, ठीक ना, टिन की प्राप्ति होती है, ठीक ना। तो ये आपकी चट्टान है, इन चट्टानों का नाम क्या है, तो इन चट्टानों का नाम है आपकी कोड़प्पा क्रम की चट्टान। अगर हम मानचित्र में देखेंगे तो मानचित्र में मैंने रेड कलर से बनाई हुई है, ये आंध्र प्रदेश का क्षेत्र हो गया, यहां पर झारखंड और छत्तीसगढ़ के क्षेत्र हो गए, ठीक ना, यहां पर भी ये थोड़ा यहां नीचे बन गया, यहां पर झारखंड छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में पाई जाती है, लंबी लंबी पट्टी में पाई जाती है, और यहां पर आपका ये राजस्थान का क्षेत्र झुंझुनू जिला, ठीक ना, राजस्थान का क्षेत्र झुंझुनू जिला, ठीक ना, राजस्थान में झुंझुनू जिला कोटा के आसपास का क्षेत्र है, ठीक ना। चलेगा, तो ये हमारी कोड़प्पा क्रम की चट्टान होंगी, तो हमने तीन देख ली जो ग्रीन कलर से बनाई थी, ये पहली थी आर्कियन क्रम की चट्टान थी, ठीक ना, यहां पर और यहां पर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ झारखंड का क्षेत्र है, और ये आपका कर्नाटक तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का छोटा सा क्षेत्र आता है, ठीक ना। उसके बाद धारवाड़ क्रम की चट्टान को हमने एलो से बनाया, उसके बाद रेड से मैंने आर्कियन क्रम की, अब आती है विंध्यन क्रम की चट्टान। तो देखिएगा, दक्षिण भारत में अधिकांश भाग में आपकी गोंडवाना क्रम की चट्टानें पाई जाती, सॉरी विंध्यन क्रम की, अच्छा चौथा नंबर विंध्यन क्रम है, तो विंध्यन क्रम की चट्टान विंध्याचल पर्वत के क्षेत्र में पाई जाती है, नाम से ही पता चल रहा है विंध्यन क्रम की चट्टान है, ठीक ना। तो इसको पढ़ लेते हैं पहले हम लोग, विंध्यन क्रम की चट्टान, चट्टान का नाम है विंध्यन क्रम की चट्टान, कौन सी चट्टान है, तो चट्टानों का नाम है विंध्यन क्रम की चट्टान, ठीक ना। इन चट्टानों का हम अध्ययन करेंगे अभी। अगर हम विंध्यन क्रम की चट्टानों की बात करें तो यह चट्टान भी परतदार है, विंध्यन क्रम की चट्टान भी परतदार चट्टान है, और जहां पर परतदार चट्टान लिख किया जाए परतदार, वह चट्टान जीवाश्म चट्टान भी कहलाती, परतदार या जीवाश्म चट्टान है, परतदार या कौन सी चट्टान है, जीवाश्म चट्टान है, ठीक ना। इनका अगर हम विस्तार की बात करें तो विंध्याचल पर्वत के क्षेत्र में पाई जाती है, विंध्याचल पर्वतीय क्षेत्र में, और विंध्याचल पर्वतीय क्षेत्र के साथ साथ अरावली पर्वतीय क्षेत्र में भी पाई जाती है,
अरावली राजस्थान में है, राजस्थान गुजरात में फैला हुआ अरावली पर्वतीय क्षेत्र में भी पाई जाती है। अरावली पर्वतीय पर्वतीय क्षेत्र अरावली पर्वतीय क्षेत्र में पाई जाती है, ठीक ना। ये जो विंध्यन क्रम की चट्टाने हैं इनसे आधात्विक खनिज, आधात्विक खनिज, और अगर हम आधात्विक खनिज की बात करते हैं तो आधात्विक खनिजों के अंतर्गत क्या आता है, चूना पत्थर। आधात्विक खनिजों के अंतर्गत क्या आता है, जिप्सम। चूना पत्थर हो गया, जिप्सम हो गया, और क्या हो गया आपकी सेल खड़ी, ठीक ना, संगमरमर, बालू का पत्थर, ठीक ना, इन सभी की प्राप्ति होती है। और अगर आप इन सभी को अगर एक नजरिए से देखेंगे तो इन सभी चट्टानों का या इन सभी आधात्विक खनिजों का उपयोग किसमें किया जाता है, भवन निर्माण में किया जाता है। किसमें किया जाता है, भवन निर्माण में, इसलिए इनको हम भवन निर्माण सामग्री के नाम से भी जानते हैं, भवन निर्माण सामग्री। किस नाम से जानते हैं इनको, एक नाम दे दिया जाता है, नाम दे दिया जाता है भवन निर्माण सामग्री, ठीक ना, भवन निर्माण सामग्री, ठीक ना। तो इनको आपको याद रखना है, भवन निर्माण सामग्री किन चट्टानों से प्राप्त होती है, विंध्यन, सॉरी विंध्यन पर्वतीय क्षेत्र और अरावली पर्वतीय क्षेत्र से प्राप्त होती है। चट्टान पूछे तो विंध्यन क्रम की चट्टानों से प्राप्त होती है, ठीक ना। अब आधात्विक खनिजों में ही हमारा पन्ना है, हीरा है, ये भी आ जाता है, ठीक ना, पन्ना हीरा ये भी आ जाता है। और पन्ना और हीरा कहाँ पाया जाता है, तो मध्य प्रदेश में पाया जाता है, और मध्य प्रदेश में एक पन्ना जिला है, सतना जिला है, पन्ना सतना रीवा, पन्ना सतना रीवा, इन जिलों से इनकी प्राप्ति होती है। अगर हम विंध्यन क्रम की पर्वत की बात करें तो विंध्यांचल पर्वत का जो विस्तार है, ये मैंने आपको पहले भी अगर खंड छतकारी के वीडियो आपने देखे होंगे तो मैंने उसमें पढ़ाया है। तो विंध्यन क्रम का जो पर्वत है ये गुजरात से प्रारंभ होता है, इसके ऊपर यहाँ पर उत्तर प्रदेश है, और उत्तर प्रदेश के नीचे यहाँ पर मध्य प्रदेश है, उसके बाद ये बिहार झारखंड तक फैला हुआ है। तो मध्य प्रदेश में विंध्यन क्रम की चट्टान या विंध्यांचल पर्वत का विस्तार होने के कारण ही यहाँ पर पन्ना सतना हीरा की प्राप्ति हो जाती है, ठीक ना, पन्ना है सतना है, ठीक ना, यहाँ से प्राप्ति होती है, ठीक ना, इन आधात्मिक खनिजों की। तो ये आपकी कौन सी चट्टान है, चट्टान का नाम है विंध्यन क्रम की चट्टान, इसको बना लीजिएगा, ठीक ना, मानचित्र देखिएगा। तो ये हमने अभी तक ये चार चट्टानों का अध्ययन कर लिया, अब आती है गोंडवाना क्रम की चट्टान। देखिएगा गोंडवाना क्रम की जो चट्टानें हैं, गोंडवाना क्रम की चट्टानें नदी घाटियों में पाई जाती हैं। गोंडवाना क्रम की चट्टानें नदी घाटियों में पाई जाती हैं। नदी क्या करती है, अपने साथ अवसादों को बहाकर लाती है, नदी अपने साथ अवसादों को बहाकर लाती है और अपनी तलछटी में, अपनी घाटी में इनका क्या कर देती है, जमाव कर देती है, और धीरे 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 उसी से एक चट्टान का निर्माण हो जाता है जिसको हम गोंडवाना क्रम की चट्टान कहते हैं, ठीक ना। चट्टान का नाम क्या है, तो चट्टान का नाम है गोंडवाना, गोंडवाना क्रम की चट्टान, गोंडवाना क्रम की चट्टान। तो अगर हम गोंडवाना क्रम की चट्टान की बात करते हैं, अच्छे समझिएगा, तो नदी घाटियों में पाई जाती है, नदी घाटी में पाई जाती है, नदी घाटी में पाई जाती है, कहां पाई जाती है, नदी घाटी में पाई जाती है, ठीक ना, जैसे सोन नदी घाटी, जैसे सोन नदी घाटी, जैसे दामोदर नदी घाटी, दामोदर नदी घाटी, जैसे नर्मदा नदी घाटी, नर्मदा नदी घाटी, और क्या हो जाएगा, नर्मदा नदी घाटी के साथ साथ गोदावरी नदी घाटी, ठीक ना। तो और भी नदी है, गोदावरी नदी घाटी, ये महत्वपूर्ण नदी घाटी लिख दिए। अब देखिएगा पीसीएस 2019 की परीक्षा पूछ लिया गया, पीसीएस 2000 परीक्षा में पूछ लिया गया 19 की, इसमें अभी पहले हम और पढ़ा दें, ये जो गोंडवाना क्रम की चट्टानें नदी घाटी में पाई जाती है और साथ ही साथ इनमें पर्याप्त मात्रा में जीवाश्म पाए जाते हैं, पर्याप्त मात्रा में क्या पाए जाते हैं, जीवाश्म पाए जाते हैं, और जीवाश्म जहां पर पाए जाते हैं तो जीवाश्मों से किस खनिज की प्राप्ति होती है, तो जीवाश्मों से प्राप्ति हो जाती है ईंधन खनिज की,
जीवाश्मों से किसकी प्राप्ति हो जाती है? ईंधन खनिज। और ईंधन खनिज में भी सर्वाधिक मात्रा में किसकी प्राप्ति होती है? कोयला की। तो अगर हम बात करें इन घाटियों से किसकी प्राप्ति होती है, तो इन घाटियों से कोयला की प्राप्ति होती है। पीसीएस की परीक्षा में पूछा गया, कोयला क्षेत्र पूछ लिए गए। आपने एक नाम सुना होगा सिंगरैली कोयला क्षेत्र कहां पर है? सिंगरैली और रैनी दो अलग अलग है। सिंगरैली कहां है? दामोदर नदी घाटी में पाया जाता है, डीबीसी बोलते हैं जिसको, दामोदर वैली कॉरपोरेशन बोलते हैं, ठीक ना। बोकारो नाम का यहां पर एक स्थल है, वहां पर पाई जाती है। बोकारो को भारत की क्या बोलते हैं? बोकारो को भारत की हम कोयला नगरी के नाम से जानते हैं, ठीक ना, बोकारो। हाँ ठीक ना। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। नदी घाटी दे देगा, क्षेत्र दे देगा। तो नदी घाटी और क्षेत्र जब हम कोयला पढ़ेंगे तो उसमें हम आपको पढ़ा देंगे। तो अभी आपको यहां पर क्या रखना है कि अगर आपसे पूछे कि कोयला के लिए या कोयला किन चट्टानों से प्राप्त होता है, तो कोयला जो है वो गोंडवाना क्रम की चट्टानों से प्राप्त होता है। कौन सी चट्टान से? गोंडवाना क्रम की चट्टानों से कोयला की प्राप्ति होती है। इतना आपको याद रखनी है कौन कौन सी नदी घाटी है। और या पूछे कि ये गोंडवाना क्रम की चट्टान कहां पाई जाएंगी, तो नदी घाटियों में इनका सर्वाधिक विकास हुआ है, नदी घाटियों में पाई जाती है। बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है, ठीक ना। चलेगा, अब अगर हम मानचित्र देखें तो हमने गोंडवाना क्रम की पढ़ ली, अब कौन सी है? बेसाल्टिक चट्टान। बेसाल्टिक चट्टान का क्षेत्र मैंने यहां पर बनाया है, एक गुजरात और महाराष्ट्र के क्षेत्र में पाई जाती हैं, और थोड़ी बहुत मात्रा में यहां पर मालवा प्लेटू में भी पाई जाती है। थोड़ी बहुत मात्रा में कहां पाई जाती हैं? तो मालवा प्लेटू में, ठीक ना। बेसाल्टिक चट्टान कौन सी चट्टान है? तो इन चट्टानों का नाम है बेसाल्टिक चट्टान, ठीक ना। अच्छे समझिएगा, ये जो बेसाल्टिक चट्टान है यह ज्वालामुखी निर्मित चट्टान है। ज्वालामुखी निर्मित चट्टान है। ज्वालामुखी प्रक्रिया में जब लावा निकलता है तो लावा के जमाव से बेसाल्ट चट्टानों का निर्माण हुआ है। तो ज्वालामुखी निर्मित चट्टान है, ठीक ना। और ज्वालामुखी निर्मित चट्टान होने के कारण ही इनको नाम दे दिया गया बेसाल्ट चट्टान। और जब ये बेसाल्ट चट्टान टूटती फूटती है तो चट्टानों के टूटने फूटने से मिट्टी का निर्माण हो जाता है। और किस मिट्टी का निर्माण हो जाता है? बेसाल्ट चट्टानों के द्वारा। तो बेसाल्ट चट्टानों के द्वारा जिस मिट्टी का निर्माण होता है उस मिट्टी का नाम है काली मृदा। और जहां पर भी काली मिट्टी पाई जाएगी वहां पर किसकी खेती की जाती है? वहां पर खेती की जाती है कपास। किसकी खेती की जाती है? तो वहां पर खेती की जाती है कपास की खेती। अगर हम बात करें कि बेसाल्टिक चट्टान भारत में कहां कहां पाई जाती हैं, तो ये चट्टानों का विकास हुआ है महाराष्ट्र के क्षेत्र में। अगर मैं कह रहा हूं कि बेसाल्ट चट्टानें महाराष्ट्र के क्षेत्र में पाई जाती हैं, और मैंने एक बात ये भी कही है कि बेसाल्टिक चट्टानों का निर्माण ज्वालामुखी प्रक्रिया के द्वारा होता है, मतलब हमने क्या निकाला तात्पर्य, निष्कर्ष हमारा ये निकला कि कभी ना कभी आपके महाराष्ट्र के क्षेत्र में ज्वालामुखी प्रक्रिया जरूर घटित हुई होगी। और ज्वालामुखी प्रक्रिया वहां पर घटित हुई, इसके और भी साक्ष्य हैं। जैसे वहां पर एक झील पाई जाती है जिसका नाम है लोनार झील ज्वालामुखी प्रक्रिया से निर्मित झील है। तो ज्वालामुखी प्रक्रिया होगी तभी तो झील का निर्माण होगा। साथ ही साथ कहां पाई जाती है? और ये मध्य प्रदेश में पाई जाती है, मध्य प्रदेश राजस्थान के क्षेत्र में। यह पठार है जिसका नाम है मालवा पठार, अधिकांश क्षेत्र मध्य प्रदेश में है। तो मालवा में भी कपास की खेती की जाती है, चंबल के डाक को आपने नाम सुना होगा, ठीक ना। और साथ ही साथ गुजरात में, और साथ ही साथ ये कहां पाई जाती है? तो साथ ही साथ गुजरात में पाई जाती है। और इन्हीं राज्यों में बेसाल्टिक चट्टान पाए जाने के कारण इन्हीं राज्यों में सर्वाधिक मात्रा में किसकी खेती की जाती है? कपास की खेती की जाती है। आपको मैं जाते जाते एक प्रश्न देकर जा रहा हूं पीसीएस प्रीलिम्स के हिसाब से, कि वर्तमान समय में, अभी आंकड़ा जारी किया गया था कुछ समय पहले अक्टूबर नवंबर में, आपको बताना वर्तमान समय में भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य कौन सा है। वर्तमान समय में भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य अगर पूछा जाए तो कौन सा बताएंगे? इन्हीं तीन में से कोई होगा, आपको कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट करके बताना है, ठीक ना। तो हम लोगों ने आज किसका अध्ययन किया? आज हम लोगों ने भारत की भूगर्भिक संरचना का अध्ययन किया।
अगर मैं पहले पेज से लेकर करूं चलूं आपको, तो हमने भारत की भूगर्भिक संरचना को तीन भागों में बांटा था। उत्तर भारत की विशाल पर्वतमाला जहां पर अवसादी चट्टानों का विकास हुआ है, जीवाश्म में पाए जाते हैं इसलिए यहां पर कोयला की प्राप्ति होती है। उसके बाद उत्तर का विशाल मैदान एक खनिज संसाधनों की दृष्टि से बहुत दुर्बल क्षेत्र है, उत्तर भारत का विशाल मैदान। और प्रायद्वीपीय भारत या दक्षिण पठारी क्षेत्र खनिज संसाधनों की दृष्टि से सबसे धनी क्षेत्र माना जाता है। इसी में छह प्रकार की चट्टानें पाई गई जिनका हमने एक एक से आपको विश्लेषणात्मक अध्ययन कराया।